हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जसपाल जसपाल रावत, एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस यानी कि हाव भाव बताने की कोशिश की है और उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला एक्सप्रेशन है ग्रिन। When do you grin? When you are happy. ये तो हमें एक्सप्रेशन से भी समझ में आ रहा है। अब ये कौन सा एक्सप्रेशन है? इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? What do you call this expression? This expression is known as scowl. ये थोड़ा अमरीश पुरी टाइप एक्सप्रेशन है। You scowl when you are angry. तुम्हें कहा था ना ऐसा नहीं करना है। ये अमरीश पुरी वाली फीलिंग आएगी आपको। अगला एक्सप्रेशन है वाओ, गेप। ये फीलिंग कब आती है? व्हेन यू आर सरप्राइज्ड, जब आपको अचंबा होता है, जब भी किसी को भी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का टाइटल मिलता है तो अक्सर ये एक्सप्रेशन देखा जाता है। अगला एक्सप्रेशन है उफ, नहीं पसंद आया। इसे हम कहते हैं स्नियर। दोस्तों, आपको बता दूं, इस पे फीमेल मोनोपोली है, पुरुष को आप ऐसे करते हुए नहीं देखोगे। हल्का सा मुंह टेढ़ा करना जब कोई चीज हमें पसंद नहीं आती है, व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग यू स्नियर। अब जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, आजकल इसी का चलन है। कौन सा एक्सप्रेशन है ये? आ रहा है कुछ समझ में? इसे हम कहते हैं पाउट। और हम पाउट कब करते हैं? नहीं, जो आप समझ रहे हो वैसे नहीं है, व्हेन वी व्हिसल। और जो आप समझ रहे थे वो ये है, और किस। और भी टाइम है जब हम पाउटिंग करते हैं, इसे भी पाउटिंग कहते हैं। ये एक्सप्रेशन कब आता है? डिसप्लेजर और सलीननेस, जब आप नाराज होते हो, आपको कोई चीज पसंद नहीं आती, आपके मन का नहीं होता है। और क्या है पाउटिंग में? अरे अभी तक तो मेन है। ये एक्सप्रेशन तो आजकल में घर घर में चल रहा है, गली गली में चल रहा है, नुक्कड़ नुक्कड़ पे चल रहा है। इसे कहते हैं सेल्फी। अगला एक्सप्रेशन है फ्राउन। When do you frown? When you are in deep thought, गहरे विचारों में हो, या तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आती। Frown हम आंखें छोटी करके भी करते हैं और आंखें बड़ी करके भी करते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं यू नीड 72 मसल्स टू frown एंड ओनली 14 मसल्स टू स्माइल। सो कौन सा आसान है करना, वही कीजिए। लेकिन इस एक्सप्रेशन को फ्राउन कहते हैं, ये याद रखिए। डिटेल में देखना है तो ये है फ्राउन। द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज, व्हाट डू यू कॉल दिस एक्सप्रेशन?
सैड, अनहैप्पी, आजकल इसका चलन बढ़ते जा रहा है। लोगों के पास खुशियां कम है, गम ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। और ये एक्सप्रेशन कब आता है? When things don't happen as per your wish, जब हमारे मन का नहीं होता है तो ये एक्सप्रेशन आती है। अगला एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन है ये? इस एक्सप्रेशन को कहते हैं ब्लश। कब आती है एक्सप्रेशन? When something is liked by you but want to hide from others, जब हम कुछ ऐसा देखते हैं या सुनते हैं या कभी मुंह से निकल जाता है जो अच्छा तो लगता है लेकिन हम अपने एक्सप्रेशन बताना नहीं चाहते हैं, इसे हम शर्माना लज्जाना भी कहते हैं, या फिर कोई एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। जैसे कभी कभी बच्चे पार्टी में माँ बाप की पोल खोल देते हैं तो उसे भी हम ब्लश कहते हैं। द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ओ माई गॉड, इसे कहते हैं विंक। विंक यानी कि आंख मारना। एंड व्हेन डू यू यूज दिस एक्सप्रेशन? व्हेन यू हैव सम स्लाई मीनिंग, कहना कुछ और है और दिखाना कुछ और है, धीरे से आंख मार के अपने इरादे जताना है, तो इसे हम कहते हैं विंक। द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज द बेस्ट एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड, दिस इज नोन एज स्माइल। एंड व्हेन डू यू स्माइल? डू वी नीड टू एक्सप्लेन? नो फ्रेंड्स, यू शुड ऑलवेज वेयर ए स्माइल ऑन योर फेस। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये मेरा एक्सप्रेशन से भरा हुआ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आया तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वादा कीजिए कि आप अधिक से अधिक याद रखने की कोशिश करोगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।